हेलो एवरीवन, माय सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ये आपकी है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स। तो आपका देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ई एक्स डी एक्स। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर इसको हमें टू पार्ट्स मतलब ई एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैक्स एक्स फॉर्म में चेंज करना है। तो आप इसमें से जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है उसको आप क्या करो अलग अलग कर दोगे। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपने इसको अलग अलग कर दिया है, और ई एक्स और यहां पर आपका ये डी एक्स, ये आपने इसको अलग अलग कर दिया। अब आप यहां पर क्या करोगे कि इसमें कॉस टू का फॉर्मूला लगाओ जिससे कि आपका 1 खत्म हो गया। तो आपका जब प्लस साइन होता है तो मैं कॉस टू ए का 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, और यदि आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स होता है तो आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1। अब ये प्लस, अब देखो यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर एंगल मेरा एक्स वाई 2 हो गया है, इसको भी एक्सपेंड करूंगा तो एक्स वाई 2। यदि मैं साइन एक्स में कोई फॉर्मूला नहीं लगाता तो आपका कोई भी कैंसिलेशन नहीं होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाना है साइन टू ए का। तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2 और अपॉन यहाँ पर आपका सेम 1 प्लस और 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1 और ये आपका ई एक्स और ये डी एक्स, ये आपने इसको। अब यहाँ इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखो आपका 1 से आपका 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम आपका 1 से यहाँ पर आपका 1 कैंसिल आउट होगा, देन आपका 2 से आपका ये 2 कैंसिल होगा, एक कॉस से यहाँ पर आपका कॉस कैंसिल होगा। अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन ये आपका 1 अपॉन 2 बाहर और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हो तुम, सेक स्क्वायर एक्स वाई 2। अब मैं ई एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये ई एक्स, एक पार्ट मैंने ई एक्स इंटू ये बना लिया है। अब प्लस, अब आपका साइन अपॉन कॉस ये आपका हो जाएगा टेन एक्स वाई 2 और ये आपका ई एक्स और डी एक्स, दूसरा आपका पार्ट ये हो गया है। अब आपका इसमें क्या है ये देखना है आपने, ये जो है आपका इसका डेरिवेटिव है, तो मैं इसको प्रोसीड करूंगा बाई पार्ट्स, इसको सेम कॉपी करूंगा। तो इसमें प्रोसीड करने के लिए आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपका एक्सपोनेंशियल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका आईलेट से फर्स्ट आता है और एक्सपोनेंशियल आपका सेकेंड, जो आप आईलेट यूज करते हो तो उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो है पहले आता है, एक्सपोनेंशियल आपका बाद में आता है। अब इसको मैंने कॉपी किया है तो ये आपका 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स वाई 2 ई एक्स डी एक्स, यहां भी डी एक्स छूट गया, यहां पे लिखेंगे प्लस। अब देखो इसमें फर्स्ट फंक्शन आपने कॉपी किया टेन एक्स वाई 2, इसका आपका इंटीग्रेशन ई एक्स का ई एक्स होगा। अब माइनस, इसका आप डेरिवेटिव लिखोगे तो टेन एक्स टेन का आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स वाई 2, अब बाई चेन रूल एक्स वाई 2 का आपका हाफ, तो ये आपका हाफ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, ये आपका ई एक्स और ये आपका डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आपका सी। अब यहां देखते हो ये आपका हाफ ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, वहां माइनस का है और ये प्लस का है, इट मीन्स आपका ये दोनों पार्ट आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट मीन्स योर आंसर विल बी ई एक्स इंटू टेन एक्स वाई 2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये आपका क्वेश्चन इसमें। अब देखो इसका सिमिलर क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कर सकते हो, मैंने यहां लिख दिया 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x एंड ई एक्स डी एक्स, ये भी आपका बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, आप इसी सेम यहां पर है एक्स ये केवल 2x यूज किया है, सेम आपका सिमिलर वे से आपने, मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस, सॉरी 1 माइनस, जब आप ऊपर माइनस है नीचे ही माइनस होगा, कॉस एक्स ई एक्स डी एक्स, बिल्कुल आपका ये भी सेम है। अब इसमें आप क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स है तो यहां पर आप जो कॉस 2 ए का फॉर्मूला जो यूज करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 यूज करोगे, तो ये आपका इस तरह से यहां से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके सिमिलर क्वेश्चंस हैं और बोर्ड में मोस्टली इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड मैथ के लिए, अप्लाइड मैथ के लिए नहीं है, इसमें से अप्लाइड मैथ के लिए
क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट वहां पर नहीं होता है। अब इसमें से मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, आप वन माइनस साइन एक्स रूट ऑफ दिस अपॉन वन प्लस कॉस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स वाई टू डी एक्स। अब ये आपने वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स ई माइनस एक्स वाई टू डी एक्स। अब देखो यहां पर आपका क्या है कि यहां पर रूट डाल दिया है, उससे आपका अलग हो गया है, और दूसरा यहां माइनस है और आपका यहां पर प्लस है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां से मैं आपका ये स्क्वायर रूट साइन हटाऊंगा। तो स्क्वायर रूट साइन हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से कि मैं वन को, इस वन को लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका वन होता है, एंगल मैंने हाफ किया। अब यहां साइन एक्स की जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, टू साइन एक्स वाई टू एंड कॉस एक्स वाई टू, ये आपने साइन टू ए का फॉर्मूला लगा दिया है। अब यहां पर आपका क्या है कि ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और यहां पर देखो एंगल मेरा एक्स वाई टू हो गया, तो यहां पर भी मैं एंगल आपका एक्स वाई टू करने के लिए कॉस क्यू ए का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो ये वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस वन, और ये आपका e टू द पावर माइनस एक्स वाई टू और डी एक्स, ये आपका बाहर चल रहा था और ये आपका इंटीग्रेशन, ये मैंने इसको किया है। अब यहां पर आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर होगा तो आपका जो होल स्क्वायर से वो रूट आपका खत्म हो जाएगा, तो ये आपका कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, ये आपका होल स्क्वायर हो गया, तो होल स्क्वायर से मैंने रूट खत्म कर दिया है, और आपका नीचे वन कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपॉन इसको मैं डिवाइड कर ले जाऊं टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, और इसके नीचे भी लिखते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, और यहां पर आपका ई एक्स ई माइनस एक्स वाई टू ई माइनस एक्स वाई टू डी एक्स, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये आपका इसका सॉल्यूशन लिख दिया है। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो आपका जब सिंप्लीफिकेशन किया तो कॉस एक कॉस है आपका, कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा वन अपॉन टू सेक एक्स वाई टू, और इनटू मैंने यहाँ पर ई माइनस एक्स वाई टू मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका, और डी एक्स ये पार्ट मैंने अलग कर दिया है। अब माइनस जब यहाँ करेंगे तो देखो एक साइन अपॉन कॉस जो है ये वन अपॉन टू बाहर करते हैं, साइन अपॉन कॉस आपका ये टेन एक्स वाई टू हो जाएगा, और एक कॉस बचेगा वो आपका sec x by 2, और इसके बाद आपका e की पावर माइनस x by 2 और dx, ये आपका यहां से दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका। अब आपने इसमें क्या करना है, अब यहां देखो कि मुझे कौन सा किसका डेरिवेटिव है। अब मैं देखो sec x का डेरिवेटिव देखता हूं तो मेरा क्या आता है, वो sec x tan x, इसका ये डेरिवेटिव है, तो मैं इसको फॉलो करूंगा। तो मैं अब जब इसको फॉलो करता हूं नेक्स्ट आपका, तो ये आपका जो यहां से आ जाएगा कि फर्स्ट इसको आप कॉपी करेंगे तो मैंने हाफ, अब इसमें ये आपका एक्सपोनेंशियल ये टर्म है, तो ये आपका फर्स्ट होगा और ये आपका सेकंड होगा। फर्स्ट फंक्शन कॉपी किया सेक एक्स वाई टू, इसका इंटीग्रेशन तो ये आपका ई एक्स का माइनस, मतलब ई एक्स का ई एक्स, अब देखो यहाँ माइनस साइन है तो इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस का हाफ, तो माइनस हाफ से आप डिवाइड करोगे तो माइनस तो ये आ गया, और हाफ से डिवाइड किया तो ये इंटू टू हो गया आपका। ये मैंने इसको इसका, क्योंकि मैं इसको टी पुट करता तो ये डी टी अपॉन टू, तो आपका टू डी टी बनता माइनस का, तो माइनस ये रहा और टू ये रहा, तो इसको मैंने ये इंटीग्रेट कर दिया इस तरह से। अब माइनस, अब इसमें से मैं हाफ को बाहर करता हूं, और ये आपका फर्स्ट, इसमें से सेम आपका, तो इसका मैंने लिख दिया आपका कि इसका एक्स वाई टू। अब इसमें माइनस, अब इसका मैं लिखूंगा डेरिवेटिव, तो ये आपका हाफ बाहर है और इसमें अब इसके बाद आपका माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ इसका आप जो है डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये हाफ आपका बाहर आ गया, इसका जो डेरिवेटिव है सेक एक्स वाई टू का आपका सेक एक्स वाई टू टेन एक्स वाई टू, और चेन रूल से एक्स वाई टू का आपका हाफ,
अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का आपका ई एक्स का आपका ई एक्स हो जाएगा ये, या एक्स बाई टू तो एक्स बाई टू, और इसके डेरिवेटिव से आप डिवाइड करोगे तो माइनस, तो ये माइनस माइनस कर लिया मैंने प्लस, और ये लिख दिया आपका टू, और ये डी एक्स, और साथ में ये आपका माइनस हाफ टेन एक्स वाई टू सेक एक्स वाई टू और ई माइनस एक्स वाई टू डी एक्स, ये मैंने कॉपी कर दिया, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहां पर आपका प्लस। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका टू से ये मैंने आपका टू कैंसिल कर दिया है। अब यहां पर ये हाफ सेक एक्स वाई टू टेन एक्स वाई टू ई माइनस एक्स वाई टू है, और ये माइनस हाफ सेक एक्स वाई टू टेन एक्स वाई टू ई माइनस एक्स वाई टू है, तो ये पार्ट आपका टोटली इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका जो आंसर रह जाएगा माइनस का टू से इसको टू कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपका माइनस सेक एक्स वाई टू और ई माइनस एक्स वाई टू प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, तो ये आपका इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये तुम्हारा ई एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका ई एक्स और वन प्लस साइन एक्स या वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। अब मैं आपका लेता हूं दूसरा जो टाइप है इसके अंदर, वो आपका क्या टाइप है कि मैंने जैसे लिया, अब मैं अभी देखो लास्ट ईयर अभी इसी 24 में आपका क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स पावर थ्री वाई टू डी एक्स। अब कभी भी आपका एक्स साइन इनवर्स है या आपका एक्स इंटू टेन इनवर्स है या ओनली साइन इनवर्स है, ओनली आपका टेन इनवर्स है, तो ये आपका वाई बाई पार्ट होगा। बाई पार्ट्स में आपको ध्यान रखना है कि इसमें आईलेट से इनवर्स जो आपका फर्स्ट होता है और दूसरा आपके जो है एल्जेब्रिक है वो आपका सेकेंड होगा। तो अब इस टाइप के कभी भी हों जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स पार्ट है, तो इसमें मैं आपको यही एडवाइस करूंगा आप किस तरह से करेंगे, जो भी आपका यहाँ जो एंगल है आप उसको यही पुट कर दो साइन थीटा। तो मैंने क्या लिया यहाँ पर कि पुट एक्स पावर थ्री बाई टू इज इक्वल टू साइन थीटा थीटा। अब आप यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स पावर थ्री इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये आपका हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू ये आपका टू साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर का पहले टू साइन थीटा हो गया, चेन रूल से साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, इट मीन्स ये आपका साइन टू थीटा हो गया। और देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर और जो डी एक्स है ये मिलके क्या बन जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन थ्री साइन टू थीटा और डी थीटा। अब ये मैंने यहां पर डी एक्स को एक्स स्क्वायर डी एक्स को इससे रिप्लेस कर दूंगा तो इसका आपका क्या बन जाएगा, यहां से वन अपॉन थ्री मैंने बाहर कर दिया, ये आपका साइन टू थीटा और ये देखो साइन इनवर्स साइन टी साइन थीटा, तो ये रह जाएगा मेरा के पास केवल थीटा और ये बन जाएगा आपका साइन टू थीटा और डी थीटा। अब देखो यहाँ बाई पार्ट्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये आपका एल्जेब्रिक हो गया, तो आपका आईलेट से आपका फर्स्ट जो होगा वो एल्जेब्रिक होगा और सेकंड जो होगा वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। अब इस पर हम प्रोसीड करते हैं, तो ये आपका देखो वन अपॉन थ्री फर्स्ट फंक्शन ये मैंने बाहर कर दिया है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो ये माइनस में आएगा कॉस टू थीटा और अपॉन टू, टू थीटा का आपका डेरिवेटिव से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इसका आपका डेरिवेटिव वन होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, इसका माइनस माइनस प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू और डी थीटा। अब ये फर्दर आपका दोबारा इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये और माइनस वन अपॉन थ्री आपका बाहर है, ये तो इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री ये आपका माइनस थीटा कॉस टू थीटा अपॉन टू, अब प्लस इसमें हम जो है वन अपॉन टू को बाहर कर देते हैं और कॉस टू थीटा का आपका साइन टू थीटा और टू थीटा का अपॉन आपका टू और ये आपका प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। अब देखो यहां पर क्योंकि अब इसने जो आंसर दिया था वो मेरे को एक्स में दिया है और यहां मेरा थीटा में, तो आप इन सबको निकाल, अब यहां इसकी वैल्यू डालने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी हेल्प से आप ट्रायंगल बनाओ, तो मेरा मैंने यहां पर ये ट्रायंगल लिया है, अब इसमें मैंने ये पुट कर लिया कि मैंने ये थीटा मान लिया है कि मेरा साइन थीटा, अब ये मैंने लिया है साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, तो ये मैंने एंगल थीटा लिया है
तो ये जो वैल्यू होगी एक्स टू द पावर 3/2 अपोजिट साइड हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज का 1 है तो ये 1 हो जाएगा। इट मींस ये आपका क्या मिलेगा, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर और इसका रूट, ये आपका बेस पाइथागोरस से निकाल दिया। अब इस ट्रायंगल की हेल्प से आप जो है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हो। आप टेन थीटा भी निकाल सकते हो, सेक थीटा भी निकाल सकते हो, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब देखो यहाँ पर थीटा है और यहाँ मेरा क्या है 2 थीटा, तो अब मैं क्या करूँगा, पहले इन 2 थीटा को ख़त्म करूँगा। तो कोशिश यही करूँ कि मेरा साइन में आंसर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हम जो है इसको अपने आप साइन और कॉस जिसमें मिलेगा आप वहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आपका देखो 1/3, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और ये 1/2, ये माइनस और ये थीटा, साइन कॉस 2 थीटा को लिख सकते हो आप 1-2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने कॉस 2 थीटा को चेंज कर दिया क्योंकि मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू अवेलेबल है, साइन स्क्वायर की भी अवेलेबल है। अब प्लस ये आपका हाफ साइन 2 थीटा को, आप देखो ये 1/2, इसका मैं पहले ये बाहर कर लेता हूँ, ये हाफ था, ये 2 था, ये 2 sin θ और cos थीटा, और ये आपका प्लस सी। अब ये 2 से आपका यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाओगे। अब आप देखो यहाँ वैल्यू पुट करो, तो मैं इसको अब वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे जो फर्स्ट है ये तो आपका 1/3, अभी बाहर मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, ये हाफ। अब थीटा, थीटा मैंने जब वहां से पुट किया था वो क्या बनेगा मेरा, साइन इनवर्स एक्स जो पावर 3/2, थीटा की वैल्यू तो आपकी ये निकल के आ गई। अब यहां पर 1-2, अब साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने यहां से निकाला था वो आपका स्क्वायरिंग किया था तो क्या मिला था एक्स क्यू। वैसे भी आप देखो यहां साइन थीटा मेरा क्या मिला है, ये आप उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू, तो ये मेरा यहां से एक्स क्यू मिल जाएगा। तो ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये आपका 2 यहां आ गया। अब प्लस, अब यहां पर ये हाफ साइन थीटा की वैल्यू, आप इसमें ये देखो यहां से साइन थीटा की वैल्यू यहां से देख सकते हो आप जो है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू जो मेरे पास है यहां पर एक्स टू पावर 3/2, तो ये एक्स टू पावर 3/2। अब कॉस थीटा की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो दिस अपॉन दिस, तो ये आपका आ जाएगा 1-x³ का रूट और अपॉन 1, ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू है और आपने ये ब्रैकेट क्लोज किया और प्लस सी। अब आप क्या करेंगे, इसको 1/3 को यहाँ आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका इसका आंसर होगा। तो ये आपका जो है अभी 2024 में CBSE बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप कभी भी इनवर्स वाले आपके ये पार्ट्स हैं, कभी भी आपका इस तरह से एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 3/2 या आपका एक्स साइन इनवर्स एक्स या एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो आप जब टेन इनवर्स एक्स है तो एक्स को आप टेन थीटा पुट कर दो, साइन इनवर्स एक्स तो एक्स को आप साइन थीटा, मतलब जो भी यहाँ एंगल है उसको, आपका कॉस इनवर्स एक्स है तो एक्स को कॉस थीटा पुट कर दो। आपका जो है सिंपल यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक और एलजेब्रिक फॉर्म हो जाती है और उसको आप बाई पार्ट्स कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट, आपने वैल्यू डालने के लिए आपने जो एज्यूम किया है दिस इज इक्वल टू साइन थीटा जो पुट किया है यहाँ पर, आप उसको उसकी हेल्प से यहाँ ट्राइंगल फॉर्म करो, तो वहाँ से आपके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपका आंसर होगा आप उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करके और वो वैल्यू आपकी पुट कर सकते हो। तो दूसरा टाइप है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखो आपका CBSE में या तो वो EX का क्वेश्चन आता है या फिर ये आता है, तो इस बार ये आ गया है, तो अब 2025 में EX के आने के चांसेस हैं। तो ये आपका दूसरे टाइप का यहाँ पर क्वेश्चंस है। अब इसमें एक थर्ड टाइप और है, वो थर्ड टाइप हमारा क्या है कि फर्स्ट मैंने लिया है कि EX साइन 2x dx। अब देखो जब हम आइलेट लगाते हैं तो एलजेब्रा आपका फर्स्ट एलजेब्रा होता है, दूसरा आपका फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, फिर आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, फिर आपका एलजेब्रिक होता है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल। परंतु आपका जब EX साइन एक्स हो और EX कॉस एक्स, तो इस पर हमारा आईलेट में आपको कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं, किसी को भी आप फर्स्ट और किसी को भी सेकेंड मान सकते हैं। अब मैं इस केस में आपको एडवाइस करूंगा, जिसमें एंगल आपका मल्टीपल में है आप उसको फर्स्ट फंक्शन मानो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब मैं इसका चेन रूल लगाऊंगा तो मैं इंटू करूंगा, यदि मैं इसको सेकंड मानता हूं तो मैं इसके चेन रूल के अकॉर्डिंग मतलब है आपका पुट करके मैं उससे डिवाइड करूंगा, तो डिवीजन से आपका जो बेटर है दैट इज द मल्टीप्लीकेशन।
तो इसलिए आप उसको करेंगे। अब को जी दोनों पर आपका मल्टीपल एंगल आता है, यहाँ भी है 2x, यहाँ भी 2x है, तो आप किसी को भी ले सकते हो, उसमें आपका कोई मैटर नहीं करेगा, आपका दोनों से आंसर आएगा। तो अब इसमें देखो ये मल्टीपल है तो मैं इसको क्या मानूंगा, इसको मैं फर्स्ट मानता हूँ और इसको मैं सेकेंड। अब इसमें मैंने इसको आई ले लिया कि मेरा आई इज इक्वल टू ये आ रहा है। अब इसको मैंने किया फर्स्ट फंक्शन साइन 2x आपने कॉपी कर दिया, इंटीग्रेशन आपका ई एक्स का ई एक्स हो गया माइनस इसका डेरिवेटिव साइन 2x का आपका कॉस 2x होता है और चेन रूल से इंटू टू। अब देखो यहाँ पर इंटू टू हो रहा है और यदि मैं इसको सेकंड मानता तो ये डिवाइडेड बाई टू होता है, तो फ्रैक्शन फॉर्म हो जाती है यहाँ पर। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये आपका ई एक्स और ये डी एक्स। अब ये दोबारा यहाँ पर देखो वही फॉर्म हो गई है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, तो आपका जो पैटर्न आपने यहाँ लिया है वही पैटर्न आप यहाँ फॉलो करोगे। ये नहीं कि आपने फर्स्ट यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक लिया था सेकंड ई एक्स लिया था और आप यहाँ चेंज करते हो, दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, सेम पैटर्न रखना है पूरे क्वेश्चन में। तो आपका इज इक्वल टू ये आपका ई एक्स साइन टू एक्स, अब माइनस ये मैं टू को बाहर कर लेता हूं इस टू को। अब आपका फर्स्ट फंक्शन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक लिया है कॉस टू एक्स, अब इसका आपका इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस, अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इसका देखो माइनस साइन टू एक्स होगा और इंटू टू होगा और इसका इंटीग्रेशन आपका ई एक्स और डी एक्स और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट डालोगे तो इधर आपका प्लस सी। अब देखो यहां पर मैं इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड करता हूं एक बार, तो ये आपका ई एक्स साइन टू एक्स, अब माइनस ये आपका टू ई एक्स कॉस टू एक्स, अब ये माइनस माइनस प्लस और फर्दर फिर दोबारा माइनस हो गया है देखो यहां पर, क्योंकि ये पहले माइनस माइनस प्लस हो गया है और ये अंदर माइनस है तो ये फिर माइनस का हो गया और ये आपका टू में बाहर कर लूंगा, टू इंटू टू आपका हो गया फोर, और इंटीग्रेशन ई एक्स साइन टू एक्स डी एक्स और प्लस सी। अब आप यहां देखते हो कि ई एक्स साइन टू एक्स ये मेरा आई है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा। तो देखो आई इज इक्वल टू मेरे पास हो गया ई एक्स, ये आपका साइन टू एक्स माइनस टू ई एक्स कॉस टू एक्स और ये आपका फोर आई और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब 4i को आप इसके साथ ले आओगे मींस यू विल गेट दिस 5i इज इक्वल टू ई एक्स, आप यहां से कॉमन निकाल लो तो ये मेरा हो जाएगा साइन 2x और माइनस 2 कॉस 2x और प्लस सी। अब आप क्या करेंगे, इसको i निकालना है आपने, तो इसलिए i निकालने के लिए क्या करोगे यहां पर 1 अपॉन 5 और ये आपका ई एक्स साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x और प्लस, अब जो आप इधर से 5 डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट के साथ आपका वो एक कांस्टेंट ही माना जाएगा, दैट इज द सी। तो ये आपका इस प्रॉब्लम का, तो ये आपके इसमें 3 टाइप्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, आपका ई एक्स साइन एक्स या ई एक्स कॉस एक्स, आईलेट इसमें कोई मैटर नहीं करता, आप जिसको चाहो उसको फर्स्ट या सेकेंड आइज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट आपने मैं एडवाइस जो कर रहा हूँ आपका उसको कर रहा हूँ जिसमें आपके मल्टीपल एंगल है उसको आप फर्स्ट मानेंगे, जिससे कि डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल अप्लाई करेंगे तो वो इनटू मल्टीप्लीकेशन फॉर्म आएगी और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म इज बेटर देन डिवीजन फॉर्म, तो इसलिए आपको उससे बचने के लिए ऐसा करते हैं। यदि आप उसको सेकंड मानेंगे फिर भी आपका आंसर आएगा। और आपका नेक्स्ट जो मैंने टाइप बताया था x इंटू साइन इनवर्स x है या x इंटू कॉस इनवर्स x है या आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो वहां पर जो आपका डोमेन है मीन्स दैट इज x, उसको आप वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट कर दो। साइन इनवर्स है तो x को साइन थीटा, कॉस इनवर्स है x को कॉस थीटा पुट करेंगे। और आपका थर्ड टाइप जो ट्रिग्नोमेट्रिक में बताया मैंने आपका 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स या 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई एक्स, तो इसमें आप उनको अलग अलग करेंगे। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि एंगल मेरे सेम होने चाहिए। तो ये आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं बाई पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और ये आपके स्टैंडर्ड मैथ के लिए हैं। थैंक यू, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मीट विद यू विद डेफिनेट इंटीग्रल। थैंक यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।